लौकी एक ऐसी सब्जी है जिसका नाम सुनते ही बच्चे हो या बड़े सभी की भूख भाग जाती है। लेकिन आज मैं लौकी की एक ऐसी जबरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बच्चे और बड़े सभी मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि यह सब्जी लौकी की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमाज किचन में। तो चलिए अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने 3 मीडियम साइज की लौकी ली है, लगभग 1 किलो होगी, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसको छीलकर काट लेंगे। लौकी को हमने धोकर लंबे लंबे पीसेज में कट कर लिया है। साथ ही में हमने लिया है 6 से 7 मीडियम साइज के आलू और 1/4 कप मटर। चलिए अब बनाते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई को रखकर इसमें 2 चम्मच ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें लौकी को डालकर फ्राई करेंगे। सारी लौकी को डाल देना है। एक दो मिनट तक चलाते हुए गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। लौकी को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। लौकी पर अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। लौकी को वो फ्राई करने से लौकी का टेस्ट बदल जाता है और बहुत ही अच्छा स्वाद आता है सब्जी का। बचे हुए तेल में अब हम आलू को भी फ्राई करेंगे। आलू को हमने 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। ये मीडियम उबले हुए आलू हैं। इनको भी 1 से 2 मिनट चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। हमारे आलू भी गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी लौकी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक मिक्सर जार में डालकर इसका एक बारीक पेस्ट बनाएंगे। सारी लौकी डाल देनी है। साथ ही में इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया। अब इसको पेस्ट बना। साथ ही में हमने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, 1 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 मीडियम साइज का टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च। इनको भी हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। सब्जी में डालने के लिए हमें एक मसाला तैयार करना है, जिसके लिए हमने 1/4 कप दही ले लिया है। ये फ्रेश दही है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला है और 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। अब इसको अच्छे से हमें फेंटना है। अच्छे से फेंटना है। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है और एक बहुत ही अच्छा पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम अपनी लौकी की सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। लौकी की सब्जी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गरम कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, साथ ही में डाल देंगे 1 तेज पत्ता, 3 काली मिर्च और 3 छोटी इलायची। अब हम डाल देंगे इसमें अपना प्याज और लहसुन का पेस्ट। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज और लहसुन अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारा दही वाला मसाला हमने बनाया था, इसको इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। लगभग 2 मिनट तक इसको भूनना है, जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ दे। 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। किनारे से तेल छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर डालकर इस मसाले को अच्छे से 2 मिनट के लिए और भूनेंगे। लगभग 2 मिनट और पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मटर और साथ ही में इसमें डाल देंगे लौकी वाला पेस्ट। लौकी को जो हमने बारीक बारीक पीस लिया था ना, इसका पेस्ट बनाया था, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे
अच्छे से मिलाएंगे और इसको भी ढककर लगभग 4 मिनट तक पकने देंगे। साथ ही में हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। अब इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएं। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू और साथ ही में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गर्म पानी। पानी को आप अपने हिसाब से डालें। पानी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्जी बन चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी सुपर डुपर लौकी की सब्जी। आपको यह सब्जी बहुत पसंद आएगी। आप इसको एक बार बनाकर ज़रूर देखना और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मुझे सपोर्ट करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।